जो अन्य एग्जाम है उसमें काफी काम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में पूरी व्याख्या इसमें बताई जाती है, आपका क्या अंदर कॉन्फिडेंस है वो भी पता चलेगा, आप कितना पढ़ाई किए हैं ये भी पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। उसके पहले बता दें कि जो लोग पूरे 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहते हैं वो vinayiasacademy.com पर जाकर के टेस्ट दे सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि रोज ऐसे क्वेश्चंस आप तक आएंगे। और चलिए आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करें। इसके पहले बता दें कि सारे एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम स्टूडेंट्स इस समय में जुड़ चुके हैं, और आपके लिए आज से जो क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन है पहला, जिप्सी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है, किस क्षेत्र के मूल निवासी माने जाते हैं। द ओरिजिनल होम ऑफ जिप्सी वॉज, जिप्सी जनजाति का ओरिजिनल होम कहाँ माना जाता है, इजिप्ट, रसिया, इंडिया, पर्सिया। और ये पहला क्वेश्चन है आज के लिए। आप घर बैठे हुए स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं, यूपीएससी का, जेपीएससी का और दूसरे तमाम एग्जाम का। और अगर ये अच्छा लगेगा तो आप बाद में लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर से करेंगे। इस पूरी वीडियो को आप अंत तक आज देखेंगे और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, लाइव है और आंसर आना शुरू हो गया है। कल्याणी का सी आंसर आया है, विवेक शर्मा ए है, रामा अवतार ए लिख रहे हैं, ए यानी कि इजिप्ट बोल रहे हैं, और ये है रमाकांत रजक ए है। और 30 सेकेंड का हम आपको टाइम देते हैं। रविशंकर कुमार, सोनम सिंह, सभी लोगों का उत्तर जल्दी से आया है ए। क्वेश्चन बोल रहा है कि द ओरिजिनल होम ऑफ जिप्सीज वाज, ये मूल रूप से कहाँ रहते थे, ये आज कहाँ रहते हैं, थोड़ा यहाँ पे डिफर कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन मूल रूप से कहाँ के निवासी माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से 30 सेकेंड अभी समाप्त हो गया आप लोगों का, और इसका सही उत्तर क्या है, मूल रूप से जिप्सी कहाँ की जनजाति थी, और सही उत्तर है इसका सी। ये मूल रूप से इसे रोमा या रोमानी, आप आगे इसको जान ले, इस जनजाति को रोमा या रोमानी के नाम से भी जाना जाता है। ये जनजाति ऐसा माना जाता है कि पहले भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र में निवास करते थे, और यहाँ से माइग्रेट करके, ये जनजाति माइग्रेट करके यहाँ से सेंट्रल एशिया और यूरोप चले गए, और आज यूरोप के लगभग सभी देशों में भी उत्तर ढेर सारे लोगों का, असलम खान, पूजा कुमारी, रमाकांत, और जैसा आपको बताया कि रोमा या रोमानी, इसकी जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1.5 करोड़ की है, इतनी जनसंख्या इट प्रेजेंट है। हाल के दिनों में फ्रांस और इटली, ये दो देश ऐसे थे जिन्होंने इस जनजाति को अपने देश से निकलने का आदेश दे दिया था, ये जनजाति को, और ये जनजाति बल्गारिया, रोमानिया में जाकर के कंसंट्रेट होने लगे। ये जनजाति मुख्य रूप से समझेंगे तो इसको बंजेराइट भी कहते हैं, क्योंकि बंजारा जीवन को जीते घुमक्कड़ जनजाति होते हैं, और ये भारत में पहले थे, इसके बाद ये मूवमेंट करते हुए दूसरे प्रदेश में चले गए, और माइग्रेशन ग्रुप भी इन्हें कहा जाता है। तो ये सही उत्तर इसका हो रहा है भारत, क्योंकि ये पहले भारत में ही रहते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये सेट आप लोगों के लिए तैयार किया गया जिसमें क्वेश्चन का आंसर के साथ, क्वेश्चन के आंसर के साथ इसका सही व्याख्या, ताकि अन्य क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी बताया जा रहा है, जो लोग खास करके ग्रामीण क्षेत्र में उनके लिए काफी फायदा होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विथ हाईएस्ट मीन इलेवेशन, सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई किसका है, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका, सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई किसका है, और ये उत्तर आ रहा है किसका है उत्तर, ये नंदन शर्मा, वशिष्ठ नारायण, सोनम सिंह, दीपाली हांसदा, रामजन्म, सुजाता राय, अनिल कुमार महतो, ढेर सारे, विवेक शर्मा, सभी का उत्तर ए है, एक अनिल महतो डी लिख रहे हैं। इसका क्या हो रहा है ये देखते हैं,
और ज्यादा लोग जो है वो ए बी और सी बता रहे, तो सही उत्तर देखते हैं इसका क्या है। और सही उत्तर इसका हो रहा है ए, यानी कि अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है, अंटार्कटिका की 7516 फीट, 7516 फीट की औसत ऊंचाई है अंटार्कटिका की। पहले अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का भाग था, बाद में गोंडवाना लैंड इंडिया भी उसी का भाग था, बाद में गोंडवाना लैंड यानी कि अफ्रीका का, अफ्रीका इसका मेन सेंटर था, यहाँ से साउथ अमेरिका अलग हुआ टूट करके, और फिर साउथ अमेरिका से अंटार्कटिका साउथ की ओर चला गया, भारत और जो साउथ ईस्ट एशिया है ये थोड़ी दूसरी ओर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाना शुरू हो गए। तो सही उत्तर अंटार्कटिका होगा, और ये सबसे मीन जो है वो सबसे ज्यादा है। अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा जाता तो एशिया की जनसंख्या जो है वो 60% है लगभग, एशिया की, पूरे एशिया की पॉपुलेशन लगभग 60% है, और अफ्रीका की तकरीबन 17% है, यूरोप का 8% जनसंख्या है। तो जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यूरोप का लगभग 8 से 10% मान लीजिए अभी वर्तमान में बढ़ गया है, नॉर्थ अमेरिका का 8% है, साउथ अमेरिका का 6% है, और ऑस्ट्रेलिया का जो जनसंख्या है वो सिर्फ 1% ही है, 1% से कम ही है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं आपके लिए, और ये क्वेश्चन है कि अगर अगर किसी क्षेत्र में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य वर्ष भर रहता है, और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा अप्रैल मई और जून महीने में होती है, यह वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है, यह किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र की विशेषता होगी। द टेम्परेचर रेंज ऑफ द एरिया इज 15 to 25 degree centigrade, रेन डज नॉट एक्सीड 25 सेंटीमीटर, देन द क्लाइमेट टाइप इज, एंड द ऑप्शंस आर, क्वेश्चन समझ पाए एक बार फिर से देख ले क्वेश्चन, किसी भी क्षेत्र में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सालों भर जो है वो टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा अप्रैल मई और जून में होती है, यह वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है, मतलब मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम वर्षा जो है अप्रैल मई और जून में है, किस प्रकार की जलवायु की विशेषता होगी। देखते ऑप्शंस आपके लिए क्या आ रहे हैं यहाँ पर, और ऑप्शंस आ रहे हैं पहला वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल, वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल पहला ऑप्शन आ रहा है, और दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है आपका ये आ रहा है रेनी ट्रॉपिकल, तीसरा सेमी अरिड ट्रॉपिकल, और चौथा टेम्परेट ग्रासलैंड। वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल मतलब शुष्क एंड आर्द्र, शुष्क एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय, रेनी ट्रॉपिकल मतलब वर्षा उष्णकटिबंधीय, सेमी एरिड ट्रॉपिकल मतलब हो गया समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, और चौथा है टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब समशीतोष्ण घास की भूमि, और सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय। तो सही उत्तर और सी आना, ओ कुमार जी, कुमार रविकांत, प्रिया कुमारी, सुजाता राय, रमाकांत सिंह, अरुण राणा, विवेक शर्मा, प्रज्ञा, रविशंकर, अभी तक तो उत्तर सारे लोग सी दे रहे, क्या लगता है। वशिष्ठ ने ए लिखा है यानी कि वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल को, और बाकी लोगों का आंसर क्विक जल्दी से कीजिए, 30 सेकेंड का समय है। राहुल कुमार बी, कल्याणी सी, तेज आंसर, और निरंजन बी, सोनम सी। तो चलिए 30 सेकेंड आपका समाप्त हो गया समय, और देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा, और सही उत्तर हो रहा है वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल, यानी कि वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल शुष्क एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय, मतलब 3 महीने में जो वर्षा दिखाया जा रहा है वो सेमी एरिड कंडीशन में था, तो यहाँ पर जो वर्षा था वो दिखाया जा रहा था आपको मार्च मई जून का, और वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल ये होगा क्योंकि यहाँ पर हो सकता है विंटर सीजन में बारिश होती हो, तो वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल इसका कनेक्ट करना पड़ता है बार बार, इसलिए
थोड़ा समय लग जा रहा बीच बीच में। उकई, कोरबा एवं ओबरा में किस प्रकार की विद्युत परियोजना है? Which kind of electricity project is there in Ukai, Korba and Obra? Ukai, Korba और Obra में किस प्रकार की विद्युत संरचना है? ये सही बोरे विंटर के बारे में तो लिखा हुआ नहीं था, तो ऐसे सेमी एरिड होना चाहिए था सही उत्तर इस क्वेश्चन का, लेकिन ये इसलिए बोल रहा है कि ये जो वर्षा है 25 सेंटीमीटर से के भी कम हो रहा है, तो ये सही उत्तर हमारे भी विचार से इसमें सी आना चाहिए, सेमी एरिड ज्यादा एक्यूरेट उत्तर होगा इसका सी, क्योंकि विंटर के बारे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, तो इस अनुसार से सी ज्यादा सही होगा। तो उकई, कोरबा एवं ओबरा में किस प्रकार की विद्युत परियोजना, विच काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज देयर इन उकई, कोरबा एंड ओबरा, तो सही उत्तर क्या होगा? इज दैट ऑप्शन ए थर्मल, बी हाइडल, सी न्यूक्लियर और डी जियोथर्मल। उकई, कोरबा और ओबरा, और ज्यादा लोगों का उत्तर थर्मल में आ रहा है, थर्मल में आ रहा है, और हमें लगता है कि थर्मल एकदम सही उत्तर है। उकई परियोजना कहाँ चल रही है, कोरबा कहाँ चल रही है और ओबरा कहाँ की है, जल्दी से बताइए। थर्मल सही उत्तर है, उकई, कोरबा और ओबरा, बट ये प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है, उकई परियोजना कहाँ चल रही है, थर्मल पावर स्टेशन है, उकई कहाँ है, जल्दी से बताएं। उकई केरल में नहीं है, उकई केरल में नहीं है, ओबरा बिहार में है, तमिलनाडु छत्तीसगढ़। उकई गुजरात, ये सही लिखा, सत्यम कुमार का उत्तर एकदम सही से आ गया है, उकई गुजरात का, कोरबा छत्तीसगढ़ का और ओबरा उत्तर प्रदेश का। ये भी एक अलग जीके की क्वेश्चन होगी, उकई, कोरबा और ओबरा, ओबरा यूपी में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है और उकई गुजरात की परियोजना है, तो थर्मल स्टेशन है सही उत्तर है, थर्मल स्टेशन। और अगले क्वेश्चंस की ओर चलते, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यहां आ गया आपके लिए अगला प्रश्न, और इसमें क्वेश्चन है, श्रीलंका एवं एशिया के अन्य देशों में कॉफी की खेती किस एक बीमारी के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और वहां पर प्रतिबंध लगाया गया। कॉफी कल्टीवेशन इन श्रीलंका वाज एबेंडेंट बिकॉज ऑफ द डिजीज, मतलब ये श्रीलंका के लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में एक बीमारी फैली थी और इसके बाद कॉफी कल्टीवेशन वहां रोक दिया गया, ये कौन सी थी, लीफ रस्ट, बॉल बिविल, लीफ स्पॉटेड या बीटी रेट, सही उत्तर क्या होगा कि जिसके चलते श्रीलंका की कॉफी कल्टीवेशन को रोका गया था, और सी लीफ स्पॉटेड ज्यादा उत्तर है लोगों का, ऑप्शंस ए में भी आ रहा है, लीफ रस्ट भी बता रहे हैं आप लोग, सही उत्तर क्या होना चाहिए, कॉफी कल्टीवेशन ये लीफ रस्ट होगा या बॉल बीविल, लीफ स्पॉट या बीटी रेट, और बी प्रिया कुमारी, सी गुलाम, बी बीटी रेट, सोनम बी बता रही हैं, कल्याणी लीफ रस्ट, गुलाम अहमद रजा बीटी रेट, निरुपम सी गुलाम अहमद के बाद जो उत्तर आ रहा है, और ये देख रहा होगा शशिकांत, बी रविशंकर, ए क्या होना चाहिए सही उत्तर, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से, और सही उत्तर है इसका ए, यानी कि लीफ रस्ट। ये बीमारी सबसे पहले ये बीमारी जो फैली थी लीफ रस्ट पहली बार ईस्ट अफ्रीका में फैली थी 1861 में, 1861 में ये पहली बार ईस्ट अफ्रीका में फैली थी, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में एशिया में आ गया। अच्छा, कॉफी का पहला खेती, कॉफी की पहली खेती कहां हुई थी,
कॉफी का जो ओरिजिनल बता सकते कर्नाटक में कॉफी की पहली खेती ब्राजील और कोई और चाइना, चाइना भी लिखने गुलाम सुजाता ने लिखा कर्नाटक, ब्राजील लिखने शशिकांत, रानी कुमार, रविशंकर, सोनम, सारे लोगों का उत्तर ब्राजील है। कॉफ़ी की पहली खेती अगर पूछा जाए कि ओरिजिनल स्पेसीज ऑफ कॉफ़ी वाज फ्रॉम इज दैट ब्राजील, तमाम लोगों का उत्तर ब्राजील आ रहा है। नंदन सूरज चिकमगलूर लिखे हैं साउथ इंडिया। कॉफ़ी की पहली खेती जो है ये यनम एवं इथियोपिया में हुआ था। ये कॉफी की जो ओरिजिनल स्पेसीज थी यनम वेस्ट एशिया का यनम या ईस्ट अफ्रीका का इथियोपिया में हुआ था और इसके बाद ये बाकी देशों में वहीं से इसका नाम कहवा आया। कॉफी का शुरू में जो नाम था कहवा ये यहीं से आया और इसी क्षेत्र में इथियोपिया एरिया में ही पहली बीमारी ये फैली थी लीफ रस्ट की। जो बीमारी खास तौर पर जिस कारण से होता है हिमिलिया वेस्टिक्स फंगस से, इसमें होता क्या है कि कॉफ़ी के जो पत्ते हैं उसमें येलो कलर का या बर्निंग का एक स्पॉट बनने लगता है और उसके बाद उसके सीड्स बेकार होने लगते हैं और ये तेजी से फैलने वाली बीमारी है। तो श्रीलंका में इस खेती को रोक दिया गया था। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है भूवैज्ञानिकों के अनुसार एवं विभिन्न प्रकार के भौगोलिक स्रोत से भारतीय भूखंड के बीच और किस ओर भारतीय भूखंड का किस ओर जाने का प्रमाण मिलता है, मतलब जो भारतीय भूखंड है रिजल्ट ऑब्टेंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सेज अबाउट इंडियन लैंडमास मूव्ड टुवर्ड्स साउथवार्ड वेस्टवार्ड ईस्टवार्ड नॉर्थवार्ड, भारतीय भूखंड के किस ओर जाने का मिलता है। तो ये सही उत्तर क्या होगा, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, उत्तर की ओर। पहला है दक्षिण, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है पूरब और चौथा है उत्तर। भारतीय लैंडमास तो इसमें उत्तर भी मिला जुला आ गया, सी भी आ रहा है और ए बी भी आ रहा है। भारतीय जो लैंड है वो किस ओर गया टूटने के बाद, इसकी मूवमेंट किधर हुई, गोंडवाना लैंड से जब टूटा तो इसकी मूवमेंट किधर हुई, और सही उत्तर है डी, सही उत्तर है नॉर्थवार्ड, यानी कि ये उत्तर की ओर चला गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारतीय भूखंड था पहले गोंडवाना लैंड में था और गोंडवाना लैंड से फिर ये शिफ्ट हुआ और टूटने के बाद साउथ अमेरिका भी वहीं से टूटा है और दूसरे भी वहीं से टूटे हैं। तो ये टूटने के बाद जो है ये मूवमेंट होकर के अलग चला गया। तो सही उत्तर उसका होगा उत्तर की ओर चला गया, ये उत्तर की ओर चला गया जबकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण की ओर चला गया, साउथ वार्ड गया। साउथ अमेरिका जो था ये साउथ अमेरिका का जो क्षेत्र था वो चला गया पश्चिम की ओर, ये अलग अलग मूवमेंट हुआ है। तो चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है, टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया इज, आसान सा प्रश्न जल्दी से उत्तर दे सकते हैं, कांडला, कलकत्ता, तूतीकोरिन या वाइजेक। विनेगर दिख रहा है लेकिन ऑप्शंस में वाइजेक होगा। कौन सा एक जो है वो टाइडल पोर्ट है जहां पर टाइड आने के बाद जहाज वहां एंट्री करते हैं, सही उत्तर क्या होगा। ऑलमोस्ट सभी लोगों का उत्तर आ रहा है ए और यहां देख लेते हैं आप लोगों का उत्तर सही है या गलत है, और सही है उत्तर ए, यानी कि ये जो है कांडला गुजरात में, और यही सही उत्तर होगा।
भारत में तकरीबन 13 13 बड़े पत्तन है, पोर्ट है, तो 13 बड़े पोर्ट है और 200 के आसपास छोटे पोर्ट है इंडिया में। कलकत्ता जो है ये रिवेराइन पोर्ट है, तुतीकोरिन भी रिवेराइन पोर्ट है और वाइजेग में नेचुरल हार्बर है सबसे बड़ा वाइजेग में, लेकिन कांडला जो है वो टाइडल पोर्ट है, मतलब टाइड से वहाँ पर जहाज अंदर आ जाते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट जो है वह है मुंबई, जो 29वें नंबर पर आता है विश्व में, 29th पोजीशन पर आता है। सबसे छोटा पोर्ट ब्लेयर है, भारत का सबसे छोटा पोर्ट अगर पूछा जाएगा तो वह पोर्ट ब्लेयर है। और इसी प्रकार से जो पोर्ट की जब बात होती है तो आपको पोर्ट बोलते हैं जहाँ पर सिंपली जहाज आकर के रुकता है, लेकिन जब हार्बर वर्ड आता है, नेचुरल हार्बर, हार्बर का मतलब होता है कि जब समुद्र में तूफान आएगा तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनी होती है कि वहाँ जहाज अगर रख दीजिएगा तो तूफान में जहाज नष्ट नहीं होगा, तो उसको पोताश्रय, हिंदी में पोताश्रय बोलते हैं, बंदरगाह, नेचुरल हार्बर उसको कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन सा एक समुद्र में बनने वाला चक्रवात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइक्लोन विच ओरिजिनेट्स इन ओशन। इसमें से कौन सा एक मेरिन बेस्ड साइक्लोन नहीं है, टॉर्नेडो, हरिकेन, विली विली, टाइफून। चक्रवात आप लोग सुने होंगे, ट्रॉपिकल एरिया में चक्रवात बनता है अक्सर, और ऑप्शन सी आप लोगों का उत्तर है। शशिकांत ए बोल रहे हैं टॉर्नेडो, कुछ लोगों ने प्रज्ञा ने बोला विली विली, अनिल महतो सी, वशिष्ठ बी, बेसिक स्टडी सी, रीना कुमारी बी, अरुण सी, गुलशन सी, रितु सी, सोनम ए, यानी कि उत्तर आप लोगों का आ रहा है टॉर्नेडो, हरिकेन, विली विली, सभी लोगों का उत्तर मिला जुला है। इसमें से कौन सा एक समुद्र में नहीं बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरिन बेस्ड साइक्लोन, समुद्र में चक्रवात नहीं बनता है बल्कि वो जमीन में तैयार होता है, इसमें से कौन सा ऐसा है। विली विली ने साइक्लोन ही है गुलाम जी, विली विली भी साइक्लोन ही है, आप बता रहे कोल्ड एयर है, शशिकांत ए बता रहे। तो चलिए समय समाप्त हो रहा है, उत्तर देख लेते हैं। और जो 100 क्वेश्चन वाला सेट बनाना चाहते हैं वो vinayacademy.com पर जाएंगे। और ये सही उत्तर हो गया ए, यानी कि टॉर्नेडो, जिन लोगों ने लिखा था टॉर्नेडो उनका सही हो गया। टॉर्नेडो अमेरिका में जमीन में बनने वाला चक्रवात है, समुद्र में नहीं बनता है। साइक्लोन इंडिया में जिसको साइक्लोन बोलते हैं उसको बांग्लादेश में धुंध बोला जाता है, उसको जापान में टाइफू बोला जाता है, और इसी को विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। विली विली भी चक्रवात है, इससे बिजली निकाला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन मैक्सिको की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास हरिकेन बोला जाता है, और चाइना में टाइफून बोलते हैं, फिलीपींस में बैचियो बोलते हैं, ये नाम है इसका। ये चक्रवात का नाम है। इसके अलावा हर साल आप देखते होंगे कि चक्रवात का नाम अलग अलग हो जाता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि चक्रवात के नाम देने का तरीका क्या है। पहले अमेरिका में जितने भी नाम होते थे पहले वो किसी महिला के नाम से रखे जाते थे, वहां पर आप देखते होंगे जैसे कैटरीना, लेविना, ऐसे नाम रहता था वहां। और बाद में एक ट्रेंड आया कि एक मेल का नाम होगा, एक फीमेल का नाम होगा। उसके बाद अलग अलग महासागर के किनारे जितने देश हैं उनको बोला गया कि आप कुछ नाम दे दीजिए, और फिर वो अल्फाबेटिकली होता है। लेकिन हिंद महासागर में 8 देशों के पास जिम्मा होती है जो ये नाम और ट्रेंड सेट करते हैं। ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, तो कभी मेंस का क्लास ले लो तो आपको बताइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और टॉर्नेडो जिन लोगों ने लिखा था उनका एकदम से सही हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, चेचनिया विद्रोही
हमेशा फेमस रहे और आप लोगों के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चेचनिया विद्रोही जो है, ये चेचनिया विद्रोही जो है ये किस देश से ताल्लुकात रखते हैं? क्वेश्चन है आपके पास में चेचनिया विद्रोही और उत्तर यहाँ पर तेज आ रहा है, रसिया और मंगोलिया, दो उत्तर आ रहा, मंगोलिया रसिया, मंगोलिया रसिया आ रहा है। ज्यादा लोग मंगोलिया बता रहे हैं और फिर उत्तर भी देख लेते हैं। सही उत्तर चेचनिया विद्रोही के लिए आ रहा है, रसिया, चेचनिया, चेचनिया का सही उत्तर है रसिया, यानी कि रसिया सही उत्तर होगा। ग्रोजनी यहाँ पर है, ग्रोजनी चेचनिया विद्रोहियों की राजधानी ग्रोजनी है और काफी चर्चा में रहा है क्योंकि रूस से ये अलग होना चाहता है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, भारत के किस क्षेत्र में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अभी तक नहीं है? ये आपको बताना है कि भारत के किस क्षेत्र में अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ कच्छ, भारत के किस क्षेत्र में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अभी तक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप? ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ कच्छ और आप लोगों का मिक्स आंसर आ रहा। सही उत्तर इसका है डी, यानी कि सही उत्तर होगा गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो नहीं है, बाकी सारे हैं। भारतीय संदर्भ में अधिसूचित जनजाति का अर्थ क्या है? इन द इंडियन कंटेक्स्ट द टर्म डी नोटिफाइड ट्राइब रेफर टू, जब डी नोटिफाइड ट्राइब बोला जाता है तो भारतीय संदर्भ में इसका क्या नाम होगा? डी नोटिफाइड जो मूल निवासी वाली जनजातियां ट्राइब विच आर एबोरिजिनल्स, जो नोमेडिक है यानी कि चारागाह जीवन में रहने वाले ट्राइब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, या क्रिमिनल क्लासिफाइड अपराधी प्रवृत्ति के ट्राइब, क्या होगा सही उत्तर? कि भारत में डी नोटिफाइड जनजाति की जब बात होती है तो डी नोटिफाइड ट्राइब में कौन सा आएगा? ऐसे 198 डी नोटिफाइड ट्राइब है भारत में, 198, और ए बी सी डी चारों उत्तर आप लोगों का आ रहा है। 198 डी नोटिफाइड ट्राइब है, इंडिया के कंटेस्ट में पूछा जा रहा है कि डी नोटिफाइड ट्राइब किसे कहेंगे। नोमेडिक भी 315 जनजाति है और सही उत्तर इसका हो रहा है ए, यानी कि ट्राइब्स विच आर एबोरिजिनल्स। हालांकि 1871 में जो कानून बना था उसमें अपराधी प्रवृत्ति के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था, बाद में भारत में जो मूल निवासी वाली जनजातियां थी उसको डी नोटिफाइड ट्राइब घोषित कर दिया गया, डी नोटिफाइड। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के किस मंडल के अंतर्गत डी ई और एफ स्तर आता है? किस मंडल के अंतर्गत डी ई और एफ स्तर आता है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। सारे लोगों का उत्तर एक जैसा आ रहा है, डी, ज्यादा लोग डी बता रहे। कुछ लोगों का बी भी उत्तर आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। और सही उत्तर डी, यानी कि आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारत में कौन सा क्षेत्र पर्यावरणीय हॉटस्पॉट कहा जाता है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट एरिया इज, भारत में कौन सा क्षेत्र जो है वो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जा रहा है, वेस्ट हिमालय, ईस्ट हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हॉटस्पॉट, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भारत में किस एक क्षेत्र को कहते हैं ये आपको बताना है। मतलब जहां पर कम से कम जीरो व कम से कम 0.5% का हो वर्ल्ड का प्लांट जो स्पेसीज है एंडेमिक, मैंने तकरीबन 1500 प्लांट की मूल वैरायटी वहां पर होना चाहिए, 1500 का कम से कम होना चाहिए। और इसके बाद साथ ही साथ वहां पर 70% वहां के ओरिजिनल हैबिटेट होने चाहिए, तो उसको इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है। 36 ऐसे हॉटस्पॉट वर्ल्ड में तैयार किए गए हैं, इंडिया में 4 है, और 4 में से सही उत्तर आप लोगों का किसका है, और सही उत्तर आया है सी, यानी कि वेस्टर्न घाट। भारत में जो 4 है इसमें पूरा हिमालय को माना जाता है पहला, दूसरा इंडो बर्मा रीजन है, सेकेंड है इंडो बर्मीज रीजन, और तीसरा वेस्टर्न घाट है, और चौथा सुंदा लैंड है। सुंदा लैंड में मलेशिया भी आ जाता है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया भी आ जाता है सुंदर वन के साथ, सुंदा लैंड। तो ये 4 क्षेत्र को मिलाकर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा गया है भारत में। तो सही उत्तर वेस्टर्न घाटों का, पूरा हिमालय एक हॉटस्पॉट है, वेस्ट और ईस्ट हिमालय नहीं बल्कि पूरा हिमालय ऑलरेडी है। इंडो बर्मा रीजन को दूसरा हॉटस्पॉट बोलते हैं इंडिया में, और तीसरा जो है वो सुंदा लैंड है, और चौथा वेस्टर्न घाट, यानी कि 4 है। इसमें जो 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 बोला जा रहा है इसकी, इसमें ये होता है कि 0.5% पूरे वर्ल्ड के जितने प्लांट स्पेसीज है उतना होना चाहिए, तो वर्ल्ड के टोटल प्लांट स्पेसीज में 0.5 होता है 1500 प्लांट के स्पेसीज होनी चाहिए, और 70% वहाँ का हैबिटेट होना चाहिए, वहाँ पर ओरिजिनल पशु पक्षी और बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को मिला करके जो है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट तैयार किया जाता है। तो ये 1988 में नॉर्मन बायर्स ने ये पहली बार इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट शब्द का उच्चारण किया था 1988। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रेखा के नजदीक डोल्ड्रम शांत क्षेत्र, ये आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर चाहेंगे जल्दी से और एकदम सही होना चाहिए इसका उत्तर। डोल्ड्रम बेल्ट, डोल्ड्रम काम बेल्ट डेवलप्ड नियर विच लैटिट्यूड, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, और इसका उत्तर जल्दी आप लोगों को देना है। सी ए, ए सारे लोगों का ए लेकिन एक तो सी आया है उत्तर, और बाकी लोगों का देखते हैं क्या आ रहा है। डोल्ड्रम, डोल्ड्रम शांत क्षेत्र किस रेखा के पास है और किसका, सारे लोगों का सही हो रहा है या फिर किसी एक का, सही उत्तर है ए, यानी कि इक्वेटर, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो होता है लैटिट्यूड, 0 से 5 नॉर्थ, 0 से 5 साउथ, उसको बोला जाता है डोल्ड्रम, यानी कि शांत क्षेत्र, और यहाँ पर ही हवाएं दोनों ओर से बहना शुरू होती हैं 0 डिग्री के पास। तो एकदम से सही उत्तर था आप लोगों का। भारत में आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून मूल रूप से किस एक हवा का नाम है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो भारत में आती है, साउथ वेस्ट मानसून इज द नेम ऑफ विच विंड, पहला ऑप्शन है ट्रेड विंड, दूसरा वेस्टरलाइज, तीसरा ईस्टरलाइज, और चौथा नॉर्थ ईस्ट मानसून, पहला व्यापारिक पवन, दूसरा पछुआ पवन, तीसरा पूर्वैया पवन, और चौथा उत्तर पूर्वी मानसून पवन। बी, सभी लोगों का उत्तर बी आ रहा है,
इसका उत्तर किसका सही होगा देखेंगे, ए बी सी डी, अभी सारा उत्तर आ गया, चलिए इसमें देखना होगा किसका सही हुआ है। कुछ लोगों का उत्तर ए है, फिर बी भी है, सी भी है और डी भी है, चारों में आ रहा उत्तर। भारत में जो मानसून होता है साउथ वेस्ट मानसून, वो वास्तव में किस हवा का नाम है, मानसून। तो सही उत्तर किसका हुआ, और ये सही उत्तर है ए, सही उत्तर है ए, यानी कि ट्रेड विंड, ट्रेड विंड ही मानसून है। उत्तर सही उत्तर इसका होगा ट्रेड विंड, ये सही हुआ। और आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए जल्दी से सारे क्वेश्चंस आपको कर देते हैं। समुद्री अपरदत्त से बचाने के लिए समुद्र के किनारे के क्षेत्र में सबसे अधिक सुरक्षा किस प्राकृतिक संसाधन से होता है। आपको बताना है कि समुद्र में जो अपरदन होता है उसमें बचाव, मिट्टी का बचाव सबसे ज्यादा किससे होगा, प्रोटेक्शन उष्ण कटिबंधीय वन से, मैंग्रोव वन से, प्राकृतिक पोताश्रय से, या फिर कोरल समूह से। समुद्र के किनारे जो कटाव होता है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, मैंग्रोव फॉरेस्ट से, नेचुरल हार्बल से, ये कोरल रीफ से। और इसमें भी मिक्स उत्तर आ रहा है सभी लोगों का, समुद्र के किनारे सबसे ज्यादा बचाव किस चीज से होगा, और सभी लोगों का मिक्स उत्तर आना शुरू हो गया है। लेकिन इसका सही उत्तर किसने दिया, सही उत्तर है बी, यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो टाइडल फॉरेस्ट है मैंग्रोव, ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन करता है, जहां जहां भी डेल्टा इलाका है पूरे वर्ल्ड में, ट्रॉपिकल एरिया में, खास करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट डेवलप हुआ है और ये बचाता है सबसे ज्यादा मिट्टी के कटाव को, ये बचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत में स्थित, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित बराक घाटी असम में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की जाती है, जूट, टी, सुगर केन, राइस। उत्तर पूर्वी भारत में स्थित बराक वैली में, बराक घाटी में, सही किसका होगा, बराक घाटी। आप लोग अपना काउंट भी करेंगे, और चाय सबसे ज्यादा उत्तर आया है, चाय बराक घाटी में, चाय या फिर राइस भी लिख रहे हैं लोग। और कुछ ही आंसर ए पर भी है, जूट, चाय, सुगर केन या फिर चावल। सही उत्तर क्या होगा देख लेते हैं आप लोगों का, किसका है सही उत्तर, ए, यानी कि यहां पर जूट की खेती होती है सबसे ज्यादा, चाय की भी होती है लेकिन जूट से कम, सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है। ये सिलचर सिटी जो है ना असम का, इसी एरिया में आता है, करीमगंज, हलियासकंडी और कच्छड़ इलाका, ये तीन इलाका जो है बराक घाटी में आता है असम का, और यहाँ पर जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद चाय होगा। सही उत्तर ए जिन लोगों ने दिया था, ए उनका सही हो गया। क्वेश्चन अगले पे चले, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील कारखाना, इसमें से कौन सा स्टील कारखाना जो है वो कोयला के क्षेत्र में नहीं है, कोयला क्षेत्र के नजदीक नहीं है, टिस्को जमशेदपुर, वीएसएल भद्रावती, एचएसएल दुर्गापुर या एचएसएल भिलाई। इसमें से कौन सा स्टील कारखाना कोयला के क्षेत्र के नजदीक नहीं है, और ये उत्तर बी सी, फिर बी आ रहा है, यानी कि भद्रावती, ज्यादा लोगों ने बी ही बोला है, अधिकांश लोगों का उत्तर बी आ रहा है बहुत, और ए भी आ गया, कोयला
क्षेत्र के नजदीक नहीं है, इसमें से दिए गए ऑप्शंस के मुताबिक आपको चुनना है सही उत्तर। और सही उत्तर हो रहा है बी, BSL भद्रावती, ये सही उत्तर होगा। यहाँ पर पहले महात्मा गांधी हाइडल पावर प्रोजेक्ट से ही यहाँ काम चलता था, बाद में चारकोल से भी शुरू हुआ था यहाँ, और बाकी सारे इलाके में कोयला का क्षेत्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कपास का उत्पादन सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होगा? जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें किस प्रदेश में होगा आपको बताना है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट बंगाल, उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम भारत, पश्चिम एवं दक्षिण भारत, उत्तर भारत का मैदानी इलाका। और यहाँ पर उत्तर आया बलराम का सी, राहुल सी, वशिष्ठ बी, अनिल महतो सी, राहुल कुमार का सी है, सोनम सी, प्रिया सी, रवि शंकर सी, राज नंदिनी सी, शशिकांत, बसंत कुमार, सुबोध कल्याणी ए, सुजाता सी, नंदन शर्मा सी, पूजा सी। और सही उत्तर हो रहा है इसका सी, यानी कि पश्चिम एवं दक्षिण भारत, वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया, ये सही उत्तर है। और अगली क्वेश्चन में चलते हैं कि जब आप भारत के किसी तटीय प्रदेश में सुंदर चर्च देखते हैं, आप किसी तटीय प्रदेश में जब सुंदर चर्च देखते हैं, जेरूसलम जैसी गतिविधियां देखते हैं, बहुत सारी खाली सड़कें देखते हैं, कुछ डेंस डेंस फैक्ट्री मतलब डेनमार्क वाली फैक्ट्री देखते हैं, तो ये किस तट को इंगित करता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा। सही उत्तर क्या होगा? चलिए बेसिक स्टडी ने बोला गोवा, रितिका पी, राहुल डी, प्रिया प्रियंका ए, राहुल कुमार डी, विवेक बी, प्रज्ञा डी, अरुण राणा डी, रितिका डी, सुमंत डी, ऋतु कुमारी डी, सुधांशु बी, वशिष्ठ डी, कल्याणी डी। सभी लोगों का उत्तर डी जा रहा है। और देखेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर किसका सही होता है, रजत डी, पूजा कुमारी डी। क्वेश्चन है कि जब आप भारत के किसी तटीय प्रदेश में जाते तो जेरूसलम की भी गतिविधियां दिखाई देती है, बहुत से चर्च दिखाई देते हैं, और डेनमार्क वाली कुछ फैक्ट्री दिखाई देती है। सोनम सिंह का उत्तर ए है और बाकी सारे लोगों का डी आ रहा है। तो ये किस एक कोस्ट को इंगित कर रहा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा? सही उत्तर किसका हो रहा है इस क्वेश्चन का, और देख लेते हैं सही उत्तर किसका था। सही उत्तर है ए, यानी कि तमिलनाडु कोस्ट। अधिकांश लोगों का अंतिम प्रश्न गलत हुआ। ई, कोरोमंडल तट की बात की जा रही है, डेनमार्क की फैक्ट्री की बात की जा रही थी, और यहीं पर आप लोगों को दिक्कत हो गया और इसका उत्तर आप लोगों ने गलत कर दिया। 1620 में तमिलनाडु कोट पर डेनमार्क ने कई जो था यहाँ पर ट्रांसक्विबर बीच के किनारे, ट्रांस सिर्फ सोनम का सही हुआ है, ट्रांसक्विबर बीच के किनारे डेनमार्क ने फैक्ट्री बैठाई थी और इस इलाके में चर्च बनवाया था। ये क्षेत्र में न्यू जेरूसलम नजर आता है, और इसलिए सही उत्तर तमिलनाडु तट होगा। अंतिम प्रश्न में आज थोड़ी सी नेट भी वो काफी प्रॉब्लम हो रहा था, तो इतना ही बताएंगे। जो लोग रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं टेस्ट सीरीज में जाकर के, हमारे जो विनय आईएएस एकेडमी .com पर है उसमें जाकर के दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।